17 18 19 20 ग्रेड के अफसरों की, आप कभी यहाँ आए आपको सफेद रंग की नंबर प्लेटें कितनी मिलती हैं? वो सुबह से खड़ी है, किसी का बाप भी नहीं हिला सकता, ना DSP हिला सकता है, ना SP हिला सकता है, ना IG हिला सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज मैं मौजूद हूँ सदर मोबाइल मार्केट के बाहर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बाइक्स खड़ी होती थी, और यहाँ पर इतना रश होता था बाइक्स का कि ऐसा लगता था कि कोई बाइक की मार्केट है। तो आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर स्कूल है, स्कूल के साथ ही इतना पार्किंग का रश होता था कि आप पूछे ही मत। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर मेरी बाइक खड़ी हुई है, और मेरी बाइक के अलावा यहाँ पर दो बाइकें और खड़ी हैं, बाकी वक्त वक्त से जो बाइक्स हैं वहाँ तो खड़ी भी हुई है। और हम यहाँ पर चल के दुकानदार से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ पर पार्किंग का जो इकदाम उठाए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये इकदाम उठाए गए हैं और पार्किंग हटा दी गई है, तो इसका उस पर क्या असरअंदाज होता है? तब्दीली मांग रहा है, सही जगह लगाओ कराची को, तो काम होगा कराची में। तो ये कब से ये पार्किंग का सिलसिला यहाँ पर जारी हुआ है? आप जब दुकान आए तो क्या पार्किंग हुई भी थी या नहीं हुई? नहीं, जब नहीं हुई थी तब जो ये माशाल्लाह ये 16 माह की हुकूमत आई थी लोगों ने लगवाया था। तो पार्किंग यहाँ पे नहीं है तो कस्टमर कहाँ ले आके गाड़ी? पार्किंग सामने लगी हुई थी, यहाँ पार्किंग नहीं थी, कस्टमर की पार्किंग थी। अच्छा, उसको नाजायज हटाया गया। सामने पार्किंग की जो 50 रुपये पर बाइक के ले रहे थे, 50 रुपये पर बाइक, पर बाइक के 50 रुपये ले रहे थे, और आए दिन लड़ाई झगड़े अलग हो रहे थे सामने। आपके ख्याल में अंदाजन कितने रुपये पैसे गाड़ियाँ खड़ी होती थी यहाँ पे? रोज की हजारों गाड़ियाँ आती है भाई, हजारों गाड़ियाँ रोज के फ्री बाइक 50 रुपये, और लिफ्ट करवाते 300 रुपये गाड़ी के लेते हैं बाइक के, और जान बुझ के लिए लिफ्ट कराई जाती थी गाड़ियाँ। तो आप यहाँ पे कस्टमर की भी गाड़ी नहीं खड़ी हो रही है? नहीं खड़ी करने देते। आप अपनी बाइक पे भी तो आए होंगे, वो कहाँ गए? बाइक हमारी ऊपर खड़ी है, ऊपर पार्किंग में चली। अब कस्टमर नहीं आएंगे तो उससे असरात क्या होंगे आपके कारोबार? अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। वो तो ठीक है, अल्लाह बादशाह है, लेकिन फिर भी अल्लाह देने वाला, अल्लाह कहना कैसे दे देगा हमारे को, कराची है इंशाल्लाह। और ऊपर आप पार्किंग चार्ज पार्किंग भी दे रहे हैं? नहीं, कोई पार्किंग नहीं हमारे इंतजाम, कोई पार्किंग के पैसे नहीं ले रही हमसे। तो ये दुकानदार आजाद थे जो अपने गम गुस्सों का इजहार कर रहे थे, और आप देख सकते हैं कि मोबाइल मार्केट है, उसका फ़र्क पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। देखिए मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, चूँकि आपको बताया कि जब पार्किंग नहीं होगी, आप सहूलत नहीं होगी, तो कारोबार वैसे ही ठंडा होगा, और काम के हालात तो वैसे ही आपको पता है कि बहुत लो क्लास चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ही लो क्वालिटी पर काम चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि भाई हम बहुत लो प्राइस में चीज़ें खरीदें, और मोबाइल मार्केट तो आपको पता है वैसे एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और जब कोई चीज़ पार्किंग ना होगी और कोई सहूलत नहीं होगी तो ग्राहक कहीं और ही भागेंगे जहाँ पर पार्किंग की सहूलत मौजूद होगी। अब इतनी बड़ी मार्केट है और उसका कोई हालो बरसाल नहीं है। एक दुकानदार साहब को गुस्सा कर रहे थे, तो हमारे साथ एक भाई भी मौजूद है कि कब से आपने ये देखा पार्किंग का सिलसिला बाहर जारी है कि पार्किंग ना की जाए यहाँ सदर मोबाइल मार्केट में? आज यहाँ पे खत्म हुआ, वरना रोज लगती थी। तो आप लोग अपनी बाइक कहाँ खड़ी करते हैं? हमारी जो ऊपर पार्किंग में खड़ी होती है, बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी। तो आपको लगता है इससे कोई आपके कारोबार में फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? कस्टमर आते थे बाइक खड़ी करके यहाँ पे काम करवा के फिर जाते, बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, और उनका भी यही कहना है कि भाई हमारे काम पे इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं ये सदर मोबाइल मार्केट का हाल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, और नो पार्किंग को मैं आपको दिखाऊं कि पूरा एरिया ही नो पार्किंग कर दिया है। यहाँ पर सारी पार्किंग जो है ख़त्म कर दी गई हैं, और आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जो आप सोचा करते थे यार बाइक खड़ी कर दी है, मेरा निकलने का रास्ता बड़ा मुश्किल हो रहा है। रास्ते सदर के बड़े आसान हो गए, और बड़ा ही क्लियर रोड हो चुका है, और साफ सुथरा इन्होंने कर दिया है, और यहाँ पर एक TMC के अफसरान भी खड़े हुए, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में आपको बताता चलूँ कि जब आप वॉक इन कस्टमर हैं और आप यहाँ पर आते हैं, आपको शॉपिंग करने आएंगे मोबाइल मार्केट, तो आप ये साथ में मोबाइल मार्केट के उसके बराबर में एक गली है, उस तरफ एक गली है, उधर आपको थोड़ी सी रियायत दी जाएगी कि आप अपनी बाइक को वहाँ पर पार्क कर सकें। तो आने के बाद ये ख्याल रखिएगा कि कोई बंदा साथ लेके आए जो आपकी पार्किंग के ऊपर हैंग रहे और देखता रहे कि आपकी बाइक कहीं चली ना जाए। तो जिस तरह ये बाइक खड़े हुए हैं, इनके साथ भी कोई ना कोई है, और ये बाइक का अपना ख्याल रख रहे हैं,
लेकिन विद इन मिनट आपकी बाइक यहाँ से उठा ली जाएगी। तो इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखिएगा। चले आगे की तरफ चलते हैं। डायरेक्टर लाइन एंटी इन्फोर्समेंट, साथ में दूसरा एंट्री डायरेक्टर काजिम रजा, ये भी है जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और मोहम्मद नोमा डिप्टी डायरेक्टर जो मेन इंजन का ये जो है फर्दर डिवीजन पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन में इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक पुलिस, लाइन एंटी इन्फोर्समेंट, सिटी वार्डन मिल के सारा काम करते हैं। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ के दुकानदारों की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी। आप देख सकते हैं कि रोड कितना क्लियर है। तो इंशाल्लाह ताला अब ये आज से यहाँ शुरू किया है, अब तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता दो हफ्ता हम यहाँ से क्लियर करके जो मुतालका चार्ज डिपार्टमेंट पार्किंग डिपार्टमेंट है और जो हमारे सिटी वार्डन है उसके हैंड ओवर करके हम यहाँ से फिर जो है जैनब मार्केट की तरफ मूव करें। तो ये बताएं कि जैसे आए दिन सोशल मीडिया पे जो ना झगड़े हमने देखे, तो उस वो वजह तो नहीं है? देखिए झगड़े तो मसला इशू है क्योंकि पार्किंग जो जिनको जो लगवा रहे हैं वो एक माफिया है बिल्कुल, और डिपार्टमेंट के साथ आज सुबह भी थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लेकिन उसको हमने जो है स्मूथली बड़ा जो है वो संभाला है, उसको उनको समझाया है गाइड किया, क्योंकि ये पार्किंग जो अलर्ट की है वो डीएमसी ने की है, हालांकि डीएमसी का जो है वो डोमेन बनता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो उनको ठेके पे दी, लेकिन मेयर साहब की तरफ से स्ट्रिक्टली जो है वो क्लियरली जो है ये मैसेज है कि यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल ना हो। अच्छा सर ये बताएं कि डीएमसी ने अगर अथॉरिटी दी है तो ये आम से कारिंदे ये डीएमसी की कैप कैसे पहन सकते हैं? देखिए मसला यही है, हमने जो है पार्किंग हमारा खत्म करने का मकसद ये है कि यहाँ पर डीएमसी के लोगों ने जो डीएमसी ने पार्किंग हायर तो कर ली, अब उन्होंने ऑक्शन में ली, उन्होंने अपने लोगों को यहाँ पर हायर करके जो है कैप जो है वो इलीगल लगाई है। ये हमारा इनका जो है ना डीएमसी से कोई ताल्लुक है ना इनका कोई केएमसी से ताल्लुक है। आपने यहाँ तो खत्म कर दी है जो पोस्ट ऑफिस के पास पीछे लगी हुई है कोऑपरेटिव मार्केट पे। मैं देखिए हमारे पास जो हमारे जो मेयर साहब की जो तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन हमें जो मिल रही है, अभी हमें अब्दुल हारून रोड का टास्क दिया है, इसके बाद हमें जैनब मार्केट पासपोर्ट, देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हमारे पास जो मसला थोड़ा सा ये है कि क्योंकि स्टाफ की भी शॉर्टेज है इस वक्त जो है पूरे कराची में, इस वक्त साउथ का 4 डिवीज़न जो है यहाँ पे काम कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इंशाल्लाह कस्टमर आएंगे अब शॉपकीपर उसको थोड़ा सा इतनी रियायत दी है कि वो अगर कोई कस्टमर आया हुआ है तो अपनी गाड़ी पे एक बैठ जाए या पार्किंग लगा के ना जाए, बैठ जाए अपना काम खत्म करके यहाँ पर जो है, लेकिन गाड़ी में भी जो है उनका ड्राइवर एक मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं कि वो गाड़ी लॉक करके वो चला जाए, अगर गाड़ी लॉक करके जाएगा तो उसको जो है ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ जो है कोऑर्डिनेशन कर रही है यहाँ पर, तो उसको हम लिफ्ट करवा रहे हैं। कि पार्किंग किस हिसाब से हुई हुई है और पार्किंग कहाँ नहीं हुई हुई तो चलिए चलते हैं। बाइक मैंने स्टार्ट कर ली है और ये मैंने गियर मारा और आगे की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो जगह है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पार्किंग और बड़ा कारोबार है यार ये, इसमें बहुत अच्छा कारोबार चल रहा होता है, और ये जब यहाँ पे दुकानदार को फ़र्क पड़ा है तो उनको भी फ़र्क पड़ेगा जो यहाँ पर लिफ्टर्स हैं और उठा के लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए आप केएमसी की गाड़ी खड़ी कर दी गई है कि भाई जो भी आए और फ़ौरन गाड़ी उठाई जाए। ओह हो कितने क्लियर लग रहा है और ये बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। यहाँ पर इतनी पार्किंग होती है ना कि आपका चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मज़े से यहाँ पर देखें वॉक की जा रही है भाई, और यहाँ पर पूरा हिसाब किताब साफ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अनारदाना बिकना शुरू हो गया है, यहाँ कारोबार लगेगा। और यहाँ पर कुछ अफसरान भी मौजूद हैं गाड़ी हटाने के लिए, लोगों का मादा कर रहे हैं, और यहाँ पर सार्जेंट्स भी हैं।
स्टार मॉल है और जिसको पार्किंग करनी है भाई अपनी पार्किंग खुद करे और खुद ही हिफाजत करे उसकी। यहाँ पर फिर भी कुछ बाइक दिख रही हैं और आप देख सकते हैं कि। तो दोस्तों ये है सदर की अपडेट्स और पार्किंग के मामला जो हैं वो थोड़े से आउट होते जा रहे हैं और लाखों रुपए का कारोबार जो है ना, जो पार्किंग माफिया का कारोबार है, वो बंद हो गया है। तो ये कब तक कायम रहेगा इसको देखते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।